बेंगलुरु ने गुजरात को हराकर पॉइंट्स टेबल में किया बड़ा बदलाव। कोहली ऑरेंज कैप में नंबर वन। आईपीएल 2024 के 52वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को शिकस्त दी है, जिसके बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने आईपीएल 2024 के 52वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 4 विकेट से हराई। ये आरसीबी के सीजन की लगातार तीसरी और ओवरऑल चौथी जीत रही। वहीं गुजरात के खिलाफ ये बेंगलुरु की लगातार दूसरी जीत थी। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने बैटिंग और बॉलिंग का शानदार मुजाहिज पेश किया। इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। वहीं कोहली ऑरेंज कैप में फिर नंबर वन बन गए। आरसीबी जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में सातवें पायदान पर आ गए। टीम के पास 8 पॉइंट्स और 0.049 का नेट रन रेट हो गया। दूसरी तरफ हारने वाले गुजरात टाइटंस 10 पॉइंट्स और +0.627 के नेट रन रेट के साथ छठे नंबर पर है। ऐसी है टॉप फोर टीमें। टेबल की टॉप फोर टीमों की बात की जाए तो राजस्थान रॉयल्स 16 पॉइंट्स के साथ अव्वल नंबर पर है। फिर कोलकाता नाइट राइडर्स 14 पॉइंट्स के साथ दूसरे पायदान पर है। इसके बाद लखनऊ सुपर जॉइंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद 12 पॉइंट्स के साथ क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। बाकी टीमों का ऐसा है हाल। बाकी टीमों की तरफ देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स 10-10 पॉइंट्स के साथ क्रमशः पांचवे और छठे पायदान पर हैं। फिर आरसीबी 8 पॉइंट्स के साथ सातवें। इसके बाद पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस 8-8 पॉइंट्स के साथ क्रमशः आठवें और नौवें नंबर पर है। फिर अंत में मुंबई इंडियंस 6 पॉइंट्स के साथ सबसे नीचे यानी 10वें पायदान पर है। ऑरेंज में फिर किंग बने कोहली। आपको बता दें कि गुजरात के खिलाफ कोहली ने 42 रनों की पारी खेली, जिसके बाद वे उन्होंने एक बार फिर ऑरेंज कैप अपने सिर पर सजा ली। कोहली 542 रनों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की फेहरिस्त में अव्वल नंबर पर हैं। पर्पल कैप पर बुमराह का जलवा बरकरार। पर्पल कैप में मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का जलवा बरकरार है। बुमराह 17 विकेट के साथ पर्पल कैप अपने सिर पर सजाए हुए हैं। लिस्ट में सनराइजर्स हैदराबाद के टी नटराजन 15 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं।